अपने मैनेजर को बुला। सर सॉरी सर, मैंने बोला अपने मैनेजर को बुला। ओए इधर आ। क्या ये सर? सूप। अबे वो तो मुझे भी पता है, पर ये बासी क्यों है? सर बासी कैसे हो सकता है, मैं अभी फ्रेश बनवा के लेके आया हूँ। देख एक तो मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, ठीक है, मेरी यहाँ पे एक मीटिंग है, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो तू क्या ये सारा रेस्टोरेंट भी खरीद लूंगा, ठीक है? अब जा दूसरा लेकर आ। जी सर। हेलो। हाँ सर पहुंच गया, पहुंच गया हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप ही का वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ओके सर, आ जाइए। ये ठीक है। कितने साल के हो? सर 23 साल। घर में कौन कौन है? सर कोई नहीं, अकेला ही हूँ। तब भी अपनी जिम्मेवारियों और आदतों से भाग रहे हो? सर मुझे नहीं लगता आपको मेरी निजी जिंदगी में कोई रुचि होनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू? सर आप बदतमीजी कर रहे हैं। एक तो बात सूप लेकर आया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। सर मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तेरा काम सिर्फ सुनना है, ठीक है? जा अपने मैनेजर को लेकर आ। सर सॉरी सर। अपने मैनेजर को बुला। सर सॉरी सर, मैंने बोला अपने मैनेजर को बुला। ये किस टाइप के बदतमीज वेटर रखे हुए आपने? सर क्या किया इसने? एक तो ये मेरे पास बासी सूप लेकर आया, ऊपर से मेरे से बदतमीजी कर रहा है, अब मुझसे बहस भी कर रहा है। कोई नहीं सर, मैं आपके लिए दूसरा वेटर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसे फटाफट इसी वक्त अभी नौकरी से निकाल दीजिए। सर सॉरी सर, सर लॉकडाउन के बाद मुश्किल से जाके अब नौकरी में लिए। सर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा करता है सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अगर तुमने इसे अभी नौकरी से नहीं निकाला तो तुम जानते नहीं हो कि मेरे कॉन्टैक्ट कहाँ तक हैं। इस होटल की रेपुटेशन को ऐसे खराब कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। सर प्लीज सर ऐसे मत कीजिए सर, सर मेरे सर सर मैं सड़क पे आ जाऊंगा सर। लिए आप जा सकते हो और कल से आप ड्यूटी पर मत आना। तू फिर आ गया। हाय सनी खुराना। सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मल्होत्रा जी, यंगेस्ट बनता हूँ दिल्ली के टॉप बिजनेस की लिस्ट में। जी सर। बहुत दिमाग लगा के पहुंचा हूँ यहाँ पे, फिर ऐसी थोड़ी किसी को अपनी कंपनी का सीईओ बना दूंगा। जो इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी गरीब पर चिल्लाता हो, जो इंसान अपने मूड के हिसाब से दूसरों को ट्रीट करे, और सबसे बड़ी बात जो इंसान अपने से नीचे तबके के लोगों से तमीज से बात ना करे, सर वो इंसान तो मेरी कंपनी का सीईओ बिल्कुल नहीं होगा। सर एक इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो एक ऐसे इंसान से बात करे जिससे उसे कुछ फायदा ना हो। जी सर सॉरी। फिलहाल के लिए तो आपका इस रेस्टोरेंट को खरीदने का और मुझे खरीदने का सपना अधूरा रह जाएगा, फ्यूचर में देखते हैं, कभी आप बदल गए तो आपकी किस्मत भी शायद बदल जाए। बेस्ट ऑफ लक। कभी भी किसी को अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा कभी भी किसी का सगा नहीं होता। इसलिए अमीर हो या गरीब हो, हमेशा सबकी इज्जत करो।